अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उमरा टीवी में एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत काम की है। मैंने कल ही एक वीडियो लगाई थी जिसमें ग्रुप बनाने के बारे में बताया था, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जिसके जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगी। एक कमेंट तो ये आया कि भाई हम दो मियाँ बीवी हैं, दो मियाँ बीवी हैं तो क्या हमारा एक ग्रुप बन जाएगा या क्या हम एक ग्रुप बना सकते हैं। तो देखें, आप गौर से मेरी इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आपके साथ उधर क्या होने वाला है। यहाँ पर बैंक में जो है वो आप दो जानों का ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि आप जब फॉर्म फिल करके दें तो इनसे कह दीजिए कि भाई हम दो दो मियाँ बीवी हैं, हमारा आप एक ग्रुप बना दीजिए और मज़ीद लोगों को हमारे ग्रुप में शामिल ना करें। तो बैंक वाले जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को मान भी लेंगे और आपका एक ग्रुप बना भी देंगे, लेकिन चाहे वो जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट को मान लें और आपका एक ही ग्रुप दो जानों का भी बना लें या चार जानों का भी ग्रुप बना लें, यानी कि जितने अफराद आप लोग जा रहे हैं उनका एक ग्रुप बन सकता है और वो बना भी देंगे, लेकिन आगे आपके साथ क्या होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। देखें, आप लोगों की फ़्लाइट जब मदीना पहुँचेगी, अगर डायरेक्ट मदीना की हुई तो, या फिर मक्का पहुंचेगी, तो मैं आपको पूरी बात बताऊं डिटेल से, जिसको आप अपनी गिरा बांध लें कि आपके साथ यही होगा, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ देख चुके हैं और हमें पता है कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी पांच लोगों का ग्रुप बनाया था, ठीक है, हम पांच अफराद थे एक फैमिली के। तो जब ग्रुप बना दिया जाता है तो पाँच लोगों का या दो लोगों का भी ग्रुप बैंक वाले बना देते हैं। तो आप जब वहाँ पहुँचते हैं, तो हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट मदीना थी, तो अगर आप मदीना पहुंचेंगे तो आपको एक होटल दी जाएगी जो या तो 5 स्टार होगी या 4 स्टार या फिर 3 स्टार या फिर 2 स्टार भी हो सकती है, लेकिन होती बहुत अच्छी होटल्स हैं मदीने में। तो मदीने में जो है होटल्स होती हैं, इस बात को याद रखिएगा, होटल्स होती हैं जिसमें दो लोगों का भी कमरा होता है, तीन लोगों का भी कमरा होता है, 3 बेड जिसमें लगे हुए होते हैं, जिसमें 5 बेड लगे हुए होते हैं। तो आप लोग होटल वालों से, जैसे जैसे ही आप होटल में पहुंचे तो आप वहाँ पर आपको पाकिस्तानी खुदाम खादमी ने हजाज मिलेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई हम फैमिली हैं तो हमारे 3 लोग हैं या हमारे 2 लोग हैं तो हम लोग एक कमरा चाहते हैं, तो वो आपके साथ फुली कोऑपरेट करेंगे और आपको एक कमरा दे देंगे जो कि सिर्फ 7 दिन या 8 दिन जो कि आपके मदीना में होंगे, तो आपको एक फैमिली के लिए एक कमरा दे देंगे, चाहे आप 2 लोग भी क्यों ना हो, मियाँ बीवी हो, माँ बेटे हो, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन आगे सुनिए, लेकिन जब मक्का में आप पहुँचेंगे तो आपको अजीज़िया में ठहराया जाएगा, और याद रखिए अजीज़िया में होटल्स नहीं होती, वो बिल्डिंग्स होती हैं, और बिल्डिंग्स ये बाकायदा पाकिस्तानी हुकूमत ने ली होती हैं, और ये बिल्डिंग्स इस तरह से बुक की जाती हैं कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कमरों के बाहर आपके नाम की लिस्टें लगी हुई होंगी, और जिस कमरे के बाहर आपकी लिस्ट और आपका पासपोर्ट नंबर और आपका NIC नंबर, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, वो लिखा हुआ होगा, तो वहीं आपको रहना पड़ेगा। वहाँ पर आपके साथ कोई ख़ास कोऑपरेट नहीं किया जाएगा, ये वहाँ की हुकूमत के हिसाब से है, तो आपको मिक्स ही रहना पड़ेगा, यानी कि अगर आप दो मियाँ बीवी हैं तो आप जो मियाँ हैं वो मर्दों के कमरे में रहेंगे और जो बीवी हैं वो औरतों के कमरों में रहेंगी, यानी कि दोनों बराबर बराबर में कमरे होंगे। तो अगर कोई दो दो मर्द हैं और किसी की एक लेडी है तो वो उस लेडीज़ के कमरे में रहेगी और दो मर्द उस एक मर्द के कमरे में रहेंगे कि जो मियाँ बीवी आए थे, यानी कि सारे मर्द 3-4 ग्रुप्स के शामिल करके वो एक कमरे में रखेंगे और जो 3-4 ग्रुप्स की लेडीज़ होंगी वो अलग कमरे में रहेंगी। ये बात आप अपनी गिरा में बांध लीजिए, क्योंकि यही आपके साथ होगा और इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, और यकीन कीजिए हमारे साथ हमारे ग्रुप के सारे लोग बहुत अच्छे थे। मैं अपनी बात करूं तो हमारी जो हमारे जो कमरे के अंदर लेडीज़ थी, इसमें मैं थी और मेरे साथ एक और लेडी थी, इसके अलावा तीन पठान लेडीज़ थी और एक उर्दू स्पीकिंग थी, दो हम थे, मैं थी यानी कि मैं और मेरे साथ एक दो थी, वो हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी यानी मेमन। इस तरह से सारे के सारे लोग बहुत अच्छे थे, यकीन कीजिए। पठान लेडीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, उनके साथ बातचीत मेल जोल बहुत बेहतरीन,
यानी कि सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। इसी तरह से मेरे हस्बैंड जहाँ जिस कमरे में थे वहाँ पर भी कुछ उर्दू स्पीकिंग थे, कुछ पठान थे, कुछ पंजाबी थे, यानी बहुत बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव लोग थे। अगर आपके जहनी मतलब आप तौर पर किसी से आपकी मुताबिकत नहीं होती, आपका जहन नहीं मिलता, तो आप इग्नोर कीजिए और कम से कम बातचीत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि आप उधर इबादत के लिए गए हैं और आप बिल्कुल भी जो है वो दुनियावी बातों से ग्रेस कीजिए और सलाम दुआ सबसे बहुत अच्छी कीजिए और दूसरों के मामलात में बोलने से परहेज़ कीजिए। तो यकीन कीजिए आपका किसी से कोई उलझाव नहीं होगा और आप बेहतर से बेहतर सफ़र कर सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये मैंने वीडियो बनाने का मकसद ही ये था, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट यही आए कि भाई हम दो मियाँ बीवी हैं, हम तीन अफराद हैं, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा ग्रुप कैसे बनेगा। तो देखिए ग्रुप यहाँ पे बैंक वाले तो आपको बना देंगे, लेकिन वहाँ जब आप मक्के में पहुँचेंगे, अजीज़िया की बिल्डिंग में जब आप पहुँचेंगे, तो आपको अलग कमरा बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा और हर कमरा पाँच अफराद पे मुश्तमिल होता है। इसमें पाँच बेड दिए जाते हैं या तो फिर छः बेड होते हैं, यानी कि एक कमरा पाँच बेड का होता है, एक कमरा छः बेड का होता है, तो पाँच और छः हो गए 11। तो इस तरह से 11 का ग्रुप इन लोगों ने बनाया हुआ होता है, यानी कि आप अगर इधर से दो लोगों का ग्रुप भी बना के भेजेंगे तो उधर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जब आपका ग्रुप पहुंचेगा तो वो ऑटोमेटिकली सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपका ग्रुप किसी और किसी ना किसी ग्रुप के साथ मिलाकर छोटे ग्रुप के साथ मिला देंगे और इस तरह से आपका ग्रुप 11 लोगों का ये खुद ही तैयार कर देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप लोग कमेंट्स करते रहें, मैं आपके कमेंट्स पर अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपको देती रहूँगी। और आप लोगों ने फॉर्म फिल करने का भी मुझे बताया, तो यकीन कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए फॉर्म फिल करके भी मैं बताऊँगी और आप सही तरीके से फॉर्म फिल करें ताकि आपको कोई मुश्किल आगे परेशानी ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह नेकी बान।